सरप्राइज दिया ये अपना व्लॉग बना रहे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अम्मी ठीक, तबीयत सब ठीक है? पहुंच चुके हैं अब्बू और अम्मी जान के पास और यहाँ पे भी वही हाल है गर्मी का। कैसे हो हसन जानी? ठीक हो? ठीक हो? तबीयत सही है शहजादे? बेबो जानी जी यहाँ पे रेडी हो? चलें? कहाँ चलें? नाने के पास। मुंह जाइए। इस बैटरी को मैंने चार्जिंग लगाया है क्योंकि इस बैटरी को भी हम यहाँ से लेकर चलेंगे, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे लाइट का बहुत ज़्यादा इश्यू होता है, तो मैं नहीं चाहता कि वहाँ पे ना बच्चे जो हैं वो बगैर पंखे के या हमारी बैटरी वगैरह ना भरे या इस तरह से कोई मसला मसाला में दरपेश ना हो। और उसके बाद जी इस वाले रूम में चलते हैं। इस वाले रूम में जी देखें ये पैक हैं और उसके अलावा ये बैग पूरा जो है ना फुल पटा फुल है। ये रुमाल यहाँ सारी चीज़ें यहाँ पे उठा ली गई हैं, बैग मुकम्मल तौर पर रेडी है। बस आप सब ने अभी दुआ करनी है कि हम जो है ना वो खैर खुशी से यहाँ से जैसे रवाना हो रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे भी हम खैर खुशी से पहुँचें, रास्ते में कोई भी मसला मसाइल ना हो, क्योंकि ये जो गाड़ियाँ होती हैं मशीनरी चीज़ होती है कहीं पर भी कुछ हो सकता है, तो आप सब ने दुआ करनी है कि गाड़ी को भी कुछ ना हो। जैसे ही बैटरी को चार्ज होती है सब तैयारियां मुकम्मल होती हैं, कमरों वगैरह को ताले वगैरह सब लगाएंगे। वैसे तो अब्बू जान इधर होंगे, भाई भी सब यहाँ पे सोते रहते हैं, जब हम यहाँ से चले जाते हैं ना तो सारे जो हैं भाई वगैरह और लड़के वगैरह नंबरदार हो गया सुल्तान हो गए सब यहाँ पर ना फिर सोते रहते हैं। यहाँ पर हसन जानी भी नहला के आ चुकी है और इसको अभी जो है न्यू ड्रेस पहनाएगी, तैयारी करवाएगी। और ये अभी यही मतलब अभी भी नहला के पहना जाता ना। अभी जी बेबो जानी से पूछते हैं क्योंकि वो सामने बेबो जानी का बच्चा खड़ा है, तो बेबो जानी ये मैयुद्दीन भाई वालों को दे दें हैं? नहीं देना, उधर ले जाएं ये भी। ओए ओए कितनी प्यार है आपको, चलो देखते हैं फिर। अभी जी गाड़ी का जो है वो पानी वगैरह मोबाइल वगैरह चेक कर लेते हैं क्योंकि लॉन्ग सफर है, सारी चीजों को चेक कर लेना चाहिए। चार्जिंग आपने अपना उठा लिया? हाँ जी उठा लिया। और आपने अपना उठा लिया? नहीं। अम्मी क्या पूछ रही है उससे पूछ लो। इनको क्यों निकाल लिया? ये ना जगह जो सारी पीछे होती है ना सारी इन्होंने मली होती है, तो मां रखने की जगह भी नहीं होती। चलो ये अंदर रख दो और बैग जो है ले आओ। मैंने कहा इनको घर रख देते हैं और सामान जो होगा वो रख दो। ले आओ बैग, भारी तो नहीं है ना? नहीं नहीं सिर्फ कपड़े ही हैं। चलो ले आओ। ये नीचे किसके पड़े हैं? ये अम्मी जान ने अपने, अम्मी ने अलग पैक किए हुए हैं। हाँ। चलें हमारे बच्चों के सारे होते हैं ना फिर अम्मी ने अलग पहने। ऐसे ऐसे जाने दो, ऐसे ऐसे चलो, ऐसे नहीं जाएगा, इधर जोर देना पड़ता है यार, तरीका कार सीखो थोड़ा सा। यहाँ बस ऊपर ऐसे जोर दो वो नीचे चला जाएगा, ऊपर ऊपर यार ऐसे। हाँ बस वो सीधा करके रखो अब, चलो बस पड़ा रहे कौन सी कोई चीज ना वो पानी वाली है जो ख्याल से बेटा हाथ ना आ जाए। चलो पानी की बोतल भी उठा लो, बड़ी खुशकी हो रही है। वो बड़ी केन इसमें रखनी है ना अभी। अच्छा अभी जी सफाई होना शुरू हो गई है। नहीं वो ना बाल्टी भरी हुई थी, वो जो एसी का पानी था ना वो उठाने लगी फुल थी, वो सारा नीचे गिर गया। तो अच्छा जल्दी करो यार चलें, टाइम जल्दी से पानी हटा दो यहां पे कीचड़ हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दरवाजा खोलते हैं, ये भी बड़ा तंग करता है। ये हो गया ओपन। यार आप ना जो फ्रिज यूज करते रहो ना अपने हिसाब से। हेलो भाई,
फ्रिज जितनी इस्तेमाल करो फिर बंद कर देना। हाँ अभी मैंने बंद कर दी है, वैसे पानी पड़ा है, तीन सालन भी पड़ा है, आटा भी रखा है, वो शाम को इस्तेमाल कर लेना। हाँ ओके मारूं स्टार्ट। हाँ ओके। अम्मी जान रेडी हैं? जी अम्मी जान भी रेडी हैं। चलेंगे पिस्ता बादाम का मजा है अंदर। बादाम भी है, पिस्ता है। इससे क्या होता है? बादाम है अंदर है, किधर है ये बादाम है। हाँ चलें जी, अभी जो है ना इसको लगा रहे हैं। क्या हो गया? क्या बराबर नहीं जाते ना? ये है ना, पीछे घुमा के कर लो। ये दोनों चाबी अब्बू को देनी है, एक जो है घर की, दूसरी एक कमरे की है घर की। ये भी चाबियां जो है वो अब्बू जान को देते हैं। घर की चाबी और एक कमरे की चाबी, एक घर की। ठीक है अबू फिर जा रहे हैं हम। इंशाल्लाह गाड़ी जो है ना वो मुकम्मल तौर पे मैंने रेडी कर दी, पर्दे शर्दे लगा दिए ताकि एसी जो है ना वो अच्छी कूलिंग करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीछे हो बेबो, बेबो यार पीछे चले जाओ, क्योंकि हम इसलिए मैं सबा को आगे बिठाता हूँ क्योंकि ये जो है ना हसन यहाँ से उसको हवा लगती है। पीछे जो है ना अभी देखें उसकी हालत, एक तो रो रहा है, दूसरा उसकी ना शक्ल बिल्कुल लाल हो जाएगी। और अम्मी इसके सामने बैठ रही है और इसको फुल हवा अम्मी को भी लगती रहेगी। आ रही है ना, आ रही है हवा, चलेंगे आगे बैठ गया। तो हसन आपको आगे इसलिए बिठाता हूँ कि चले हसन जानी आगे बैठे, नहीं मान रहा ना। चले थोड़ी एक 5 मिनट तक इसको नींद आ जाएगी। हाँ बस रास्ते तक इसको ना खेल लगाते हैं फिर बिठाते हैं। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी जो है गाड़ी को लगाते हैं पहला गियर और जो कुछ सामान लेना है ना, एक तो आपके पैंपर लेने हैं, दूसरे नंबर पर घी की बाल्टी लेनी है क्योंकि हमने उधर जाके अचार बनाना है, और तीसरे नंबर पे जो और कोई सामान शामान लेना वो ले लेते हैं। अभी जी हम हमारी गाड़ी जो है वो चल चुकी है और सफर हमारा रवाना है। अभी पीछे हसन को गर्मी हुई, हसन को भी आगे लेके आ रहे हैं, तो इसको पैंपर लगवा देते हैं। ये देखो लाल हो गया। इसको क्या पीछे जाओगे तो मुझे हवा का अंत लगेगी यार, ये पीछे वालों के लिए हवा है बेबू। और जी अभी जो है ना दुआ कीजिएगा हम खैर खरिया से पहुंचे। अभी जी यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप, स्टॉप करें जी यहाँ पे, सब जो है स्टॉप किया हुआ है क्योंकि फाटक जो है ना वो बंद है। जब भी यहाँ पे आते हैं ना, जब भी मतलब छोटा सा काम हो चौक पे आते हैं स्टॉप। हाँ जी ये बड़ा मसला है क्योंकि ये तकरीबन ना 20-25 मिनट पहले बंद करते हैं। हाँ जी। और काफी यहाँ की आवाम ने एहतजाज भी किया कि यार ये क्या है कि आधा आधा घंटा पहले, लेकिन नहीं सुनी जा रही। इसलिए सब ना आप खड़े ही रहते हैं, आप क्या कर सकते हैं ऐसे ना, बस आ गई है। शुक्र है 20 मिनट तकरीबन 19 मिनट के बाद जो है ना ये रेलगाड़ी आ चुकी है, मालगाड़ी है। अब देखें 20 मिनट जो है ना हमें इंतजार करना पड़ा, पता कब से बंद है हमें। और बाकी जो दूसरी साइड वाला फाटक है ना वो तकरीबन 3 मिनट पहले 4 मिनट पहले बंद करता है बस, ये आधा घंटा पहले। ये देखें जी ये गाड़ियां ना खुदा ना खास्ता ये जब गिरती है ना तो बड़ा मसला होता है क्योंकि ये देखे कितनी ऊपर से लेकर नीचे तक, ये अब ऐसा लगता है ट्रेला जा रहा है लेकिन है ये ट्रैक्टर ट्राली। हाँ ये ऊपर ना वो तूड़ी लगी हुई है, तूड़ी तूड़ी नहीं बकास है, मिल की बकास है। अच्छा माशाल्लाह जी ये देखे बहुत ही ज्यादा VIP जो है ना ये क्या कहते हैं रोड बना हुआ है। और अभी जो है ना हम पहुंच रहे हैं, मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं तो ना हम पहुंच रहे हैं उच शरीफ, और उच शरीफ से आपको पता है 10 क्या है 10-15 10-15 किलोमीटर से ना फिर वो हेड पांच नंद है, नहीं मतलब बल्कि 5 किलोमीटर हेड पांच नंद है, हेड पांच नंद क्रॉस करेंगे ना जो 5 दरियाओं को मिलाता है। नहीं ऐसे बताओ ना मतलब आधा सफर किया है या दो ही से? हाँ यहाँ पे हमारा आधा सफर हो गया है। एक हिस्सा दो हिस्सा? एक हिस्सा दो हिस्से रहते हैं? नहीं टोटल आधा कर लिया तो फिर दो हिस्से कैसे रहते नहीं, हैं दो हिस्से बाकी एक हिस्सा रहता है। नहीं मैं आपको सीधे लफ्जों में समझाऊं, मिसाल के तौर पे हमने
सफर के हैं दो हिस्से, सफर के हैं दो हिस्से, एक हिस्सा हमने कर लिया, एक हिस्सा बाकी है। अच्छा। हाँ जी, आधा सफर कितने से हाली, आधा रांधा पे हूँ, समझ आइये कह नहीं गई, समझ आइये। तीन हिस्से सफर है, एक हिस्सा होना है वो क्या करते हैं चने गोड़। अच्छा। दूसरा हिस्सा होना है वो हेड का, तीसरा हिस्सा वो हाथी का। अच्छा, बावला हेड तक वाला हेड तक समझो आ गयो बस। ये दो हिस्से इनके ना हिस्से मुझे समझ नहीं आते। हमने देखना है किलोमीटर, 150 किलोमीटर है, 75 किलोमीटर कर लिया, 75 किलोमीटर रहता है, मुझे तो ये पता है। आधा सफर कर लिया आधा रहता है। मम्मी कहती है हमें किलो का नहीं पता लगता, आपको ये हिस्सों का नहीं पता लगता। चले छोड़े जितना भी है कर लिया। ठीक है जी, ये देखें ये आ गई ओच शरीफ लल्लू वाली मोरी, ये है जी लल्लू वाली मोरी, बिरयानी कुल्फी वाला खोए मलोए वाली कुल्फी, रबड़ी, रबड़ी दूध पीवो पीवो तो जीवो। क्या होता है रबड़ी दूध है? ख्याल से दा, ख्याल से बंदा गरीब हाँ, मेरी गाड़ी तले ना, मेरी गाड़ी तले ना, मैं बंदा गरीब हाँ, मेहरबानी करो। तो जी माशाल्लाह अभी हम हेड पांच नाम जो है वो क्रॉस कर रहे हैं, और सूरज भी देखें आपको नजर आ रहा है, इस साइड पे भी हेड और इस साइड पे भी पानी, और अभी हमारा सफर रवाना है, अभी बस आधे से ज्यादा कर लिया है। हाँ। अभी थोड़ा रह गया है, अभी हमने दो हिस्से कर लिए हैं और एक हिस्सा रह गया है। हाँ। ठीक है। क्योंकि आपको किलो का पता नहीं चलता। हसन, हसन जानी भी उठ गया, उठ गया बाबा। अभी जी हमने गाड़ी यहाँ पे खड़ी की है, अभी हमने कहा यहाँ पे थोड़ी, मैंने कहा टांगे शांगे सीधी कर लो, उधर हेड पे तो वो पार्क उन्होंने उतारी हुई थी, पानी शानी लगा रहे थे, उसमें बना रहे हैं दोबारा। हाँ। भी ऐसे फ्री में क्या, अब ये बना के फिर टिकट ही लेंगे। तो इधर देखें सारा दरियाई इलाका है, लोग जो है वो घास छास काट रहे हैं, ये सारा दरियाई दरिया है। और देखो हमारे तीसरे बेटे, इसको क्यों उतार लिया, मैंने कहा थोड़ी साई ये भी कर, ये भाग ना जाए उधर रोड पे, ख्याल करना। इसको देख रही हूँ मैं ना, वो जरा दरख्त नजर आंदा पर उसका कोई जगह है। हाँ, वो रिहायश होगी उनकी दरिया वाले से। हाँ, नहीं ऐसे लोग बैठते हैं ठंडी जगह पे, ये वाली है जी बड़ी VIP। हाँ, क्योंकि इधर गर्मी नहीं होती ना दरिया के बंद पे। और ये सामने जो है रोड है, गाड़ियाँ आ जा रही है, ये देखें। चलें अभी साई निकाल के फिर चलेंगे। अभी जी हम बस पहुँचने वाले हैं, तकरीबन अभी 5-7 मिनट का सफर रह गया, और इधर इन दोनों की ना लड़ाई हो रही है। ये सफर जो है हमने 3 घंटे में ख़त्म किया है, 3 घंटे के अंदर जो है हम पहुँचे हैं, बिल्कुल प्यार सुकून से आए हैं। उसके बाद हमने 15-20 मिनट्स एक जगह पे स्टे भी किया, जैसे आपने देखा दरिया के ऊपर। तो बस अभी 5-7 मिनट में पहुँचते हैं इंशाल्लाह इसकी अम्मी अबू के घर, और ये देखना ज़रूर मिलेगी। हाँ, तो सलाम नहीं करना क्या, ऐसे जाके कहेंगे खाना रेडी है तो दे दो, बस मिलना क्या होता है। हाँ। रोज बंदा है, रोज मिले, रोज नहीं, रोज कहाँ से जाते हैं, ये रोज ही है, महीने बाद 15 दिन बाद ये रोज होता है आजकल ना। हाँ। ये रोज में शामिल हो जाता है, वो होता है जो 2 साल बाद 5 साल बाद जाते हैं। अच्छा। हाँ जी, नहीं सलाम तो मुहम्मदी है ना, सलाम तो करना चाहिए ना। हाँ, सलाम ऐसे कर देना ना, हाथ तो नहीं मिलाना ना। चलो बस अस्सलाम वालेकुम, 4 पाई लगा दो, हमने सुना है। चलें खानी है, चलें देखते हैं जी क्या करती है, ऐसा तो फिर हो नहीं सकता ना जो मैं कह रहा हूँ। अभी जी हम घर जो है वो पहुँच चुके हैं, ये आ गया जी घर, और ये आ गई मेरे ससुर जी की दुकान। ठीक है बेबो, आ गई ना। हाँ, चलें जी अभी ना गाड़ी को अंदर करते हैं चुप करके। तो जी अभी हम घर आ गए। हाँ जी आ गया, चलो निकलो बाहर अब।
शर्मा रहा है अब। चलो निकलो अब, शर्म आ रही है। भी हम तो जा रहे हैं, ये खड़ा रहा। ये सारे और भी होंगे फ्रूट्स मेरे ख्याल में। हाँ ये रखे हैं। हाँ उधर मरीज के लिए लेके जाएंगे और कुछ इधर। ठीक है अब मीना गाड़ी गाड़ी के अंदर आपने कभी बंदे को उठा हुआ देखा है? नहीं देखा। आज अम्मी जान को देखे उस साइड से उठ के इधर आ रही है निकलने के लिए। नहीं ये सामान रख रही थी उठ के। हाँ सरप्राइज दिया ये अपना व्लॉग बना रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बस वो तो एक मजाक होती है। माँ को मिलो। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है अम्मी? ठीक तबीयत से आप ठीक है? तो जी फैमिली जो है हम पहुंच चुके हैं अब्बू और अम्मी जान के पास और यहाँ पे भी वही हाल है गर्मी का। हाँ जी गर्मी का है, गर्मी तो बहुत है। गर्मी यहाँ पे भी फुल है और माशाल्लाह चूल्हा भी ले आए हैं। हाँ जी तरक्की कर ली। इंशाल्लाह तरक्की बहुत तरक्की कर ली, हमने तरक्की नहीं की। और ये देखें चूल्हा और गुहे ना इस्तेमाल हो रहे हैं और माशाल्लाह भी खाना बन रहा है। खाना थोड़ा तो नहीं बनाया हम तो, आप लिए बनाया है अपने लिए बस। हाँ आप तो नहीं बताया हमको जो हम आ रहे हैं। आप तो सरप्राइज दे दिया ना हमको। हाँ जी चलें अभी आप तो फिर और बनाना, ये तो खैर हमें दे दें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे। हम खाने बनाने की नहीं वो फिर सारे कैसे आ जाते घर खाली छोड़ के। बार बार आपका पूछ ही जा रहा था ये खड़ा है चुप के। अब कहते हैं मुझे ना शर्म आती है। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो बेबो। ये इशफाक ये बेबो का बेटा है। ले गई और एक बेटा बच्चा बेचारे का। अच्छा ये क्या आते ही इसके कपड़े सभा क्यों उतरवा दिए? इसको ना गर्मी हो गई थी रोने लग गया तो मैंने कहा इसको ना नहला दे फिर जो है ना ये दूध पी के सो जाएगा। अच्छा अच्छा हाँ। आपको गर्मी हुई है बेबो? इसने नींद नहीं की ना बेबो। अच्छा है, आपको गर्मी हुई है आपने नहाना है? आप में चोहार मेरे को ना आपको सब्बा को नींद रही है, नींद आई है। आपको आपको भी नींद थी, हसन को भी नींद थी और बेबो को भी नींद थी। सिर्फ अम्मी और मैं जाग रहे थे। सारे सो जाए मैं तो नहीं सो सकता ना। मैं सो गया तो इन सारों की हमेशा के लिए नींद हो जानी है। तो ये तो गाड़ी स्टार्ट हो बस इसको नींद। बच्चे भी मैं नहीं, आपको डर नहीं लगता गाड़ी पे? नहीं आप बैठे हो तो फिर किस चीज का डर? सही है। चले माशाल्लाह कितनी रोटी बना ली अभी? माशाल्लाह बहुत रोटी बना ली है। ये ना आपको पता था वैसे? नहीं मुझे पता नहीं, थोड़ा बहुत अंदाजा नहीं था? नहीं। अच्छा वो सब्बा जब कॉल की थी ना उसी टाइम में मुझे बताया था जो सब्बा कहती है घी कैसे डाला जाता है। वो ससुर जी ने फोन किया ना तो बोलता घी वाली बाल्टी ले आना वो अचार डालेंगे। मैं अच्छा दुकान पे ना लेने भी पहुंच गया। अच्छा। जब मैंने घी का बोला फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा अचार में कौन घी डालता है भला। मैंने कॉल की अब्बू को, मैंने कहा आपको किसने कहा घी डालते हैं? अब्बू ने कहा आपको किसने कहा घी लेके आओ? मैंने कहा आपने तो कहा। अब्बू का पहले वॉइस सुनो कि मैंने क्या कहा उसने। मतलब उसने कहा कि खाली बाल्टी हो घी वाली, घी वाली 5 किलो की जो बाल्टी होती है ना वो ले आना। हाँ, खाली नहीं कहा। हाँ, खाली मैंने कहा शायद कहते हैं कि घी की बाल्टी ले आना। फिर मैंने आपको कही जब आप लेने के लिए, फिर मैंने अब्बू को जल्दी से कॉल की, फिर अब्बू ने कहा खाली बाल्टी की घी की बाल्टी नहीं की। सही सही सही। अभी जी सबा जो है ना वो चूजे को ना खाना खिला रही है। मैंने कहा पहले इसकी खिदमत कर लूं फिर बाद में हम। हाँ क्योंकि रास्ते में ना इसको हमने पानी शानी पिलाया है तो अभी इसको ना इसको ऐसे डालते रहो ये खाता रहेगा। वो भागता है और साइड पे। ये लो चूजे खाओ यार, वो आपको बना के दे रही है। इसकी खिदमत करना हक है क्योंकि ये बेचारा वो है। यार ये है
वो ये ना आप उसके साथ जबरदस्ती करोगे ना वो फिर नहीं खाएगा। असल में वो कहता है नीचे छोड़ दिया ना घूमने फिरने के लिए, कह रहा है चलो ये। तो प्यारे बहन भाइयों आप इंशाल्लाह ताला हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दें क्योंकि अंधेरा भी हो गया है। हाँ जी। तो अभी ना हम फ्रेश होते हैं, खाना शाना खाते हैं। सालन क्या बनाया? आलू का सालन है। अच्छा माशाल्लाह। तो आप मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान, पाक फौज, सब बहन भाई, अल्लाह हाफिज़।